दोस्तों अभी रुके हुए हम लोग एटीएम से पैसा निकालने, थोड़ा कुछ लेना था और फ्रेश फ्रेश भी हो गया। मंदिर के आसपास ना सब कुछ है, पैदल आप दर्शन कर सकते हो, है ना। मैं मार्क कर दूंगा और आपको बताऊंगा कैसे, एकदम ज़्यादा नहीं है डिस्टेंस कोई भी मंदिर, है ना। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, क्या कि चार्जेस बहुत ज़्यादा ले लेते हैं ना ट्रैवलिंग का, तो उस कारण से हो जाता है। अब यहाँ के लोग भी कमाने के लिए ही बैठे हैं ना, ऐसे तो बैठे नहीं हैं। तो अभी चल रहे हैं हम लोग खाने पीने, थोड़ा सा और शॉपिंग करना है आज हम लोग को, और अयोध्या भी निकलना है। तो एटीएम में रुके हुए थे पोस्ट ऑफिस के सामने, ये हेडक्वार्टर है शायद इंडियन पोस्ट ऑफिस का, और यहीं पास चलेंगे आज। तो फुल मस्ती कर रहे हैं हम लोग का तो, है ना। अब ऐसा है और यही है ट्रैफिक, यही जाता है काल भैरव के पास होटल ट्राइडेंट। यहाँ जो रूम लेगा तो ले सकता है, थोड़ा एक्सपेंसिव होगा ट्राइडेंट, मगर हर घर भगवा छा गया भाई, बहुत बहुत खुशी हो रहा है, बहुत खुशी। आँख से तो आंसू आ जाते हैं कभी कभी, ऐसे ऐसे हो रहा है कॉन्फिडेंस। बाकी भैरव बाबा के दर्शन कर लिए, मजा आ गया। देखो देखो आ गया, जय श्री राम। ऐसा सब जगह चल रहा है, बाकी ठीक है, मज़ेदार है। चलते खाते हैं कुछ, पेट पूजा करते हैं और चलेंगे फिर कल। चलो दुकान में तो फ्रेम व्रेम ले लिया हूँ, फ्रेम लिया अंकल के पास से आया था यादगार तौर पे, ले लिया हूँ। और यहाँ भांग मिल रहा है, भांग भैया के पास भांग भी मिल रहा है, मस्त। होली के लिए अभी से रख लो, है ना। चलो अभी बहुत सारा चीज़ लेना है, बाकी देखते हैं क्या क्या है। इधर सब बिकते रहता है सब कुछ, साड़ी वाड़ी भी लेना है, बहुत कुछ लेना है। जल्दी जल्दी करते हैं। कैसे रुपए भैया, चेंज हो गया क्या भैया? ऑनलाइन ऑनलाइन, हाँ मैं दे रहा हूँ चेंज, कितना क्या ऑनलाइन है ना? ऑनलाइन आपको ले जानी है, खानी है? सौ की ले जाइए, दो किलो हाँ, तो छः लोग के लिए कितने लगेगा?
इसमें रखा है हाँ आखिरी में दे रहे कपड़ा ये खाने के लिए ये भी पकड़ लेना जय श्री राम जय श्री राम चलिए खाइए भी है बताइए टेस्ट कैसा है फिर भाई दिख रहा है जोरदार है जोरदार है दिखने में तो जोरदार है मलाई मलाई टाइप का है ठीक है एक बार ट्राई कर सकते हैं और क्या ट्राई करना है मैं तो खाऊं नहीं ठीक है जो पेन पेन हो जाता है ना वैसा लगता मगर मीठा है बहुत मीठा है टेस्ट आ रहा है जोरदार काजू किशमिश का टेस्ट आ रहा है प्राइस है 60 रुपए ट्राई करने लायक है फिर वो जो होता है ना कॉफ़ी पीते हैं ना कॉफ़ी तो कॉफ़ी के ऊपर आ जाता है ना जैसा ऊपर में वैसे ही लग रहे जागे जागे हाँ ठीक है पहला ना श्री जी का मिठाई देखो काफ़ी मिले इधर श्री जी स्वीट्स एंड मिल्क आगे ट्राई करना जरूर बाकी और कुछ बताओ भैया क्या हिसाब है एक पर्सन के लिए सफिशियंट है हाँ बहुत ज़्यादा है ज़्यादा है क्या है प्राइस 60 रुपीज ड्राई फ्रूट डला हुआ है ऊपर बाकी भीड़ देख सकते हो काफ़ी भीड़ है खाने टाइप नहीं लगे ये पेड़ भरने वाला चीज नहीं है मगर मुंह में जाके घुल जा रहे क्या बस अंदर करना है घुल गए मुंह में अब नेक्स्ट स्टॉप चलेंगे कहाँ कहाँ जाते हैं देखते हैं बताते हैं आपको है ना दोस्तों ये बनारस की गलियों में हम लोग घूम रहे हैं लक्ष्मी टी स्टॉल जा रहे हैं अभी श्री जी स्वीट्स का हम लोगों ने खाया वो है ना वो अच्छा था ठीक था एक बार ट्राई तो करना बनता है बाकी यहाँ के घर वर गली वली पूरे इतने बड़े बड़े घर कैसे बने हैं वो सोचने वाली बात है एक गली बहुत सकरा है और घर बन गए भैया लक्ष्मी टी स्टॉल अच्छा ये मेन रोड निकलेंगे हाँ राइट टर्न 300 मीटर में अच्छा लक्ष्मी जी आप कहाँ जा रहे हैं जय श्री राम जय हनुमान तो ऐसे आप गली वली सब पूछ सकते हैं सब हेल्प कर देते हैं और घूम सकते हैं इंडिविजुअली गूगल मैप के सहारे भी घूम सकते हो और पूछ पूछ के जाओगे तो ज़्यादा आसान है पूछ के चले जाओ गूगल मैप पे तो ट्रस्ट करना मुश्किल है हाँ कहीं के बहुत से गली है ना बहुत और ले ही नहीं पाता है लोकेशन लोकेशन नहीं ले पाता और थोड़ा एक ही देखो इधर एक गली है उधर एक गली जा रहा है फिर इधर गली जा रहा है सीधा गली जा रहा है फिर वो दो में डिवाइड हो रहा है देखो
और गूगल मैप में भी उतना क्लियरिटी नहीं लोकेशन के लिए, देख लो अभी कहाँ दिखा रहा है, कहाँ जाना है कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वैसा है जगह, और सन तो निकलता ही नहीं है अभी। राइट चले अंकल? हाँ उन्हीं के पीछे चलो, वो गाइड कर रहे हैं हमको, टी स्टॉल के लिए गाइड अंकल जी हमारे बने हैं। चलते हैं, चाय पियेंगे, मलाई टोस्ट खाएंगे, मलाई टोस्ट अच्छा है। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है दोस्तों, लाइव देख सकते हो, लाइव जय श्री राम। बल्ला महल है, पूरा महल है इधर, सब जगह गाना आना बज रहा है, महल ही महल है इधर आज। दोस्तों लक्ष्मी टी स्टॉल ना आओगे तो इधर है, बहुत मुश्किल से मिलता है ये जगह, मंदिर के रोड में आओगे इधर है ना, तो इधर से जाओगे तब मिलेगा। हाँ गली के अंदर में काफ़ी मिलेगा ही नहीं वरना, है ना, बहुत मेहनत के बाद मिलेगा। ये रहा, यही मिलता है ब्रेड टोल, आगे ट्राई कर लेना भाई, है ना, हमारा काम तो उसे दिखाना है, ट्राई करना आपका काम है। दोस्तों ये रहा बटर, मलाई वाला तो ख़त्म हो गया, मलाई टोस्ट तो ख़त्म हो गया, अपने को मिला है बटर वाला, तो बटर में ये है और यहाँ नमक टाइप का कुछ है, तो खाते हैं और टेस्ट करते हैं, काफ़ी फेमस है। हाँ ऐसे करके छिड़को, खाते हैं क्या है, टेस्ट क्या है, मक्खन मक्खन टाइप का है, मजा आ गया, मजा है, हाँ वो फ्लेवर है अलग सा, फ्लेवर है यूनिक, यूनिक सा अच्छा लग रहा है। डिफरेंट थोड़ा टेस्ट है, नमक नमक काला नमक है, तगड़ा है पकड़ा, ठीक है खाते हैं फिर मिलते हैं। चाय लक्ष्मी टी स्टॉल का चाय भी आ गया, और ये तो ब्रेड तो देख ही रहे हो, चाय ब्रेड का आनंद लेते हुए, और ये चीयर्स एंजॉय। चाय भी बगाऊंगा, ये है चाय दाम, बहुत बेहतरीन है, है दोस्तों ये कुल्हड़ वाला चाय पूरे, ये लगा थोड़ा सा, ये मीठा है थोड़ा, ये भी अच्छा है, ओरिजिनल ओरिजिनल ओरिजिनल, किसके पास मिलेगा, चाची मिलेगा, विश्वनाथ मंदिर के बगल में जस्ट दुकान है बड़ी सी, उसी यहाँ जाइए, गिरी 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 करके है, गिरी नाम, कौन सा मंदिर, विश्वनाथ मंदिर के, विश्वनाथ मंदिर भैया ओनर है, ओनर है वही दुकान के, और अपन चले अब कुछ कुछ खरीदना है शॉपिंग। दोस्तों ये थाना है, मस्त ब्रिटिश ओल्ड टाइप दिख रहा था, तो सोचा दिखा दूँ आपको भी, है ना, और क्या बताएं, हाँ ब्रेड टोस्ट लक्ष्मी टी स्टॉल थोड़ा गली के अंदर था, तो देख लेना, मैं तो दिखा दिया हूँ आपको, वीडियो देख के आ जाना, बाकी तो मज़ेदार है, बाकी भीड़ बहुत अच्छी हो गया है, आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है नहीं पता,
है ना, आ रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा होगा तो भी अच्छी बात है, वो लाएंगे आप है ना। घूमते घूमते हम लोग आ गए मंदिर के कॉरिडोर के पास है ना। ये रहा ये कॉरिडोर, कॉरिडोर में अभी चल रहा है राम भगवान का। देखते हैं कॉरिडोर के पास लगा हुआ है एकदम उद्घाटन का, मतलब कहेगा दिवाली हो गई है पूरी नगरी अपने राम जी के प्रेम में। इस समय राम लला रहे, भले ही जनकपुर धाम से हम तस्वीरें अभी हम लोग मिल जाएंगे लेकिन राम मंदिर सब ये कहते हैं कि नहीं हम आ रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, आपको गाली नहीं दे सकते हुई। हम लोग कॉरिडोर 2 नंबर में जाना है, देखते हैं कैसे जाएंगे, पता करते हुए चलते हैं है ना। हाँ जय श्री राम भैया, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या ना देख के वो जा रहे थोड़ा काफी डेकोरेशन है, इधर भी दर्शन का ही लाइन है क्योंकि टाइमिंग है ना। कपड़ा वड़ा भी मिल रहा है इधर भोलेनाथ वाला। सर 2 नंबर गेट पहुंच गए हम लोग, 2 नंबर गेट देख के आ रहे हैं कैसा है ना, यही अलग है शायद है ना। कॉरिडोर गेट नंबर 2 देख के नीचे, हाँ 2 नंबर गेट नहीं मेरा भी ब्लॉग बनाइए, आइए आइए। ये सब है हो गया, दर्शन हो गया। ये कॉरिडोर का इलाका, हमको एक स्पेसिफिक फोटो चाहिए इसीलिए हम लोग आ रहे इधर। नहीं हो गया दर्शन, लॉकर फ्री है ये देखो, रख सकते हो, लॉकर फ्री है सब, प्रसाद ले सकते हो, जूता चप्पल है ना। दोस्तों कॉरिडोर आओगे ना तो मंदिर के जस्ट सामने में ही आपको SBI का सब चीज़ मिल जाएगा है ना, ATM सब कुछ है। और किनारे में व्हील चेयर से जाने के लिए ये एस्केलेटर लगा हुआ है, एस्केलेटर से चल सकते हैं, थक जाओगे तो चल सकते हो, क्योंकि बहुत चलना पड़ता है यार इधर है ना। और मज़ेदार रहा, अभी चल रहा है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह चल रहा है और हम लोग शाम तक जा रहे हैं अयोध्या। गाड़ी बुक करके चलते हैं, देखते हैं नरेंद्र, वैसे ख़त्म हो जाएगा, बहुत सारा था, काशी का नाम आया, हम काशी में ही थे, ये किस्मत ये संयोग ही है जो हमको दो दो जगह दर्शन करने मिल रहा है। और देखो यही तो होता है, फील हो रहा है कि हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है। हाँ। और हम सबसे लक्की जनरेशन है जो यंग एज में ही आने का हमको मौका मिला। हाँ। आज तो जिंदा बहुत लोग है लेकिन हर कोई 25, 30, 35 के बीच का नहीं है। तो ये हम यंग जनरेशन है, हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि हम अपने पैरों से यहाँ चल के आ रहे हैं, उस चीज़ का मज़ा अलग है। आज तो बोट भी फ्री था, बोट का मजा लिया, मजा आया, फ्री बोटिंग की है, फुल भर के बोटिंग कर दी है यार एकदम। हाँ मजा ही आ गया, बहुत मजा आया। और जो अभी तो बोटिंग का हम मतलब 700-800 पर हेड दिए थे बनारस फ्री में हुआ आज हमारा। बनारस का गलियों में पूरा मस्ती किए हम लोग, पर पर्सन 250 दे के पेड किए थे एक बार और एक बार फ्री किए, तो चलता है, पेड भी चलता है फ्री भी चलता है। और जस्ट इधर जाओगे तो मणिकर्णिका घाट है, तो मृत्यु जन्म मृत्यु एक ही साथ और भगवान के दर्शन भी एक साथ होते हैं। ठीक है चलो अब टॉयलेट जा रहे हैं हम लोग, यहाँ थोड़ी ब्लॉक करेंगे। दोस्तों मेन कॉरिडोर के अंदर घुस गए अब हम लोग, मेन जो गंगा द्वार है वहीं से आइकॉनिक फोटो आता है जैसा देख सकते हो आप अभी है ना। और राम भगवान का यहाँ हो रहा है अभी कॉरिडोर है राम भगवान का, अपन को जो फोटो चाहिए था आइकॉनिक दिखाता हूँ, रुको कॉरिडोर ओरिजिनल। और यहाँ चल रहा है राम मंदिर का उद्घाटन का लाइव फुटेज चल रहा है।
और जो आइकॉनिक फोटो जो बोल रहा था मैं वो ये है, जय भोलेनाथ। दोस्तों नरेंद्र मोदी जी आ गए टीवी पे, दिख रहे हैं। कॉरिडोर में है हम लोग, राम मंदिर को अभी पहुंच नहीं पाए, आज शाम को पहुंच जाएंगे, बाकी देखते हैं। इधर अभी नरेंद्र मोदी जी पहुंच गए हैं। मंदिर कॉरिडोर के पास थे, अंकल के पास शॉपिंग करने आए थे। बड़ी नेचुरल बनाया, हाँ? बड़ी नेचुरल। हाँ, तो यहाँ देख रहे हैं भगवान श्री राम जी पहला बार दर्शन कर रहे हैं हम लोग, यही कॉरिडोर प्रथम दर्शन हम यहीं किए हैं अंकल जी के पास में। हाँ, आपको याद रहेगा हमेशा। हाँ हाँ, इसलिए हम रिकॉर्ड भी कर ले रहे हैं। ये भैया है अंकल, अपना जिंदगी रिकॉर्ड करते हैं बस, मैं अपना जिंदगी रिकॉर्ड किए हैं, जरूरी है, अच्छा होता है। हाँ, और इनका यही मानना है कि अपने बुढ़ापे में उसी रिकॉर्डिंग को देखते रहेंगे, अपने नाती पोते को, नाती पोते भी देखते रहेंगे। हाँ, सब देखेंगे। हाँ, वो नाती पोते भी नहीं रहेंगे, उनके नाती पोते देखेंगे। बहुत अच्छा बनाया मूर्ति, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मूर्ति है, अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, बहुत सुंदर। जय श्री राम।
फेस्टिवल है ना। निकल रहे हैं यहाँ से अयोध्या, अयोध्या के लिए निकल रहे हैं, वाराणसी को छोड़ रहे हैं। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये रहा ऑटो, निकल के आ गए हैं है ना। अब चलते हैं अयोध्या के लिए है ना। अब नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे।